हमारा संगठन है और डिपार्टमेंट आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारी संघ, हम दो निवेदन आपसे करने आए हैं, वो आपके ही आदेश है। पहला निवेदन ये है कि ये जो न्यूनतम वेतन 10 साल बाद बढ़ा था, जिसमें हाईकोर्ट में मोबाइल उस पर जो आप सब लोगों की चुप्पी है, उस चुप्पी से लोगों में बहुत नाराजगी है। आप जितनी जल्दी हो सके आप हम लोगों के पक्ष रखें। नंबर दो, सरकारी विभागों में बड़ी संख्या में ऐसे कर्मचारी काम करते हैं जो न्यूनतम वेतन उनको नहीं मिलता है, जबकि श्रम आयुक्त मध्य प्रदेश का ही आदेश है, उसके बाद भी नहीं मिलता। जिसमें अंशकालीन कर्मचारी है, स्कूलों छात्रावास में रहते हैं, योगा पंचायतों में है, योग शिक्षक है, शिक्षक है, मतलब बड़ी संख्या में है। ये अन्याय इतने बड़े स्तर पर हो रहा है कि आप जो है कल्पना नहीं कर सकते। और हम लोग डिस्ट्रिक्टों में जब श्रम कार्यालयों में इसकी शिकायत करते हैं तो हमें बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वहाँ पर जो हमारे श्रम पदाधिकारी बैठे रहते हैं वो हमारे साथ न्याय करने के बजाय पहले उस कंपनी को इतला कर देते हैं कि ये शिकायत आई है, आप इस पर ही रोक लगनी चाहिए। क्योंकि कहीं भी हम पिछले 3-4 साल से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हमने किसी श्रम विभाग के जिले में कहीं भी इन आउटसोर्स कर्मचारियों, इन अस्थायी कर्मचारियों के बाद किसी श्रम विभाग ने एक सुनवाई तक की हो, किसी आवेदन पर कार्रवाई की, ऐसा हमारी जानकारी में नहीं है। एक और मुद्दा है कि आउटसोर्स एजेंसियां जो काम कर रही हैं, इन कंपनियों ने एक तरीके से लोगों को गुलाम बना दिया है। मैं 10 तारीख को यहाँ बैठक करने आया था, एम भाई वगैरह के लोग हमारे साथ बैठक करने आए थे, उनके सब पे ट्रांसफर कर दिए। रीवा में हड़ताल चल रही है, स्वास्थ्य विभाग में ठेका कर्मचारी है सारे के सारे, सिर्फ इसलिए कि 5 लोग जो अपनी बात कर रहे थे उनको उन्होंने बर्खास्त कर दिया। उसका भी ज्ञापन आपको मैं देते जा रहा हूँ, इसमें सभी को। और पीएफ और ईएसआई की बड़े स्तर पर अनियमितता, इसकी जांच कर हमें उसमें तो आप जांच भाई नहीं, मैं आपको सबके सामने कह रहा हूँ, वो सेंट्रल लेबर डिपार्टमेंट है, सेंट्रल लेबर सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, उसमें आपको उनसे यहाँ उनको भी दे रहे हैं। और देखिए छात्रावासों में रसोईया काम कर, आप बताइए कि मतलब कहीं छात्रावास अधीक्षक 4,000 देता है, 5,000 देता है, क्योंकि उनको न्यूनतम वेतन जो आपका है अफसर का वो मिलना चाहिए। इसकी आप अलग संबंधित विभागों को है, आप अगर जिलों में अपने श्रम पदाधिकारियों को निर्देश कर देंगे तो इसमें एक बहुत बड़ी लेकिन ये संबंधित विभाग जो तय करता है जिनकी मजदूरी, उसमें हम संबंधित विभाग को ही लिख पाएंगे, क्योंकि रसोईया या ऐसी कई चीज़ें हैं जो और वो पूर्णकालिक कहाँ हो, इसलिए मैं तो आपके श्रम पदाधिकारी अगर जाकर वहाँ पर वो करते हैं तो निश्चित रूप से इसमें कुछ सुधार हो सकता है। मतलब हमने जब काम शुरू किया था तब 4,000-3,000 रुपये मिलते थे स्वास्थ्य विभाग में, आज 9,000 तक 8,000 तक मिल रहे हैं, तो सुधार होता है बोलने से। अगर आप थोड़ा सा तो ये जहाँ आपकी जो मांगे हैं पहले से भी इनसे कईयों से वाकिफ हूँ, जो हो रहा है तो हम लोग यहाँ देखते हैं। समझदार है कि बल्लभ भवन के आउटसोर्स कंप्यूटर ऑपरेटर को पूरा पैसा दे देते हैं, लेकिन उसी विभाग के नीचे नहीं देते हैं। इसमें सर जो भी बैठक होना वो हो जाए और ये स्टे का सर निपट जाए तो हमारा वो हाई कोर्ट के बारे में कोई नहीं, आप उसकी प्रक्रिया चल रही हो ये वाले को भी ये जो मामला है आपके लिए बात है, इस पर आप जब काल स्पेसिफिक है, हाँ स्पेसिफिक है, इस पर आज ही आप थोड़ा सा वहाँ रीवा का तो कारवा इसको आप थोड़ा सा, और इसके पे तो सब लोगों को बहुत नाराजगी है सर, और सब लोग श्रम विभाग की ही आलोचना कर रहे हैं, उसमें यूनियन भी इंटरवीनर है। इसमें सर आलोचना तो आपके विभाग की होगी, लेकिन पक्ष आपको रखना है सब लोग। सर एक चीज पे प्रकाश डालना चाहता हूँ, आप नहीं बोलना था ना, हाँ बोल जमीन की आवाज है ना, तो ये बोलना चाहता हूँ सर कि अभी बीते वर्ष जो 2017 में कुछ अस्थायी कर्मचारी है जो होटल वगैरह इनमें जिनको 5,000 मिलती है तनख्वाह,
उन्हीं लोगों को 2017 में दो माह तक है ना तो 7,500 रुपये तनख्वाह डली थी और बिना नोटिफिकेशन जारी किए हुए उनको वापस चार्ज कर दिया था। ये क्या कारण था? वो हुआ था लेकिन 2017 के मामले में 7 साल बाद कानून में कोई जाता नहीं करता। वो प्रकरण पूरा आपको तो संगठन को बताना तुम एक साल के अंदर ही कर रहे उसके बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। लाखों कर्मचारी ऐसे हैं कि 2,000-3,000-5,000 में काम करें वो न्यूनतम वेतन मिलता है, बेरोजगारी है, लाखों कर्मचारी ऐसे हैं जो 7,000-8,000 में काम करते हैं। जबकि मध्य प्रदेश सरकार का न्यूनतम वेतन है जो अकुशल को मिल रहा है वो 11,000 आ रहा है। किसी भी सरकारी विभाग में काम करने वाले आपसे 10 साल बाद मध्य प्रदेश में न्यूनतम वेतन रिवाइज हुआ है। मालिक को के ने एक याचिका लगाई इंदौर हाईकोर्ट में, उसको इसके लगा हुआ है 10 साल बाद जो 2,000 रुपये बढ़े भी थे वो भी कटाई में खड़े हुए हैं। आज हम श्रम न्यायालय में सुनवाई के महोदय से ये कहने आए हैं कि आप न्यायालय में पक्ष रखिए जिससे कि जो इसके लगाए हुए थे हमारे